जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसलिए हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो मैनेज कर लो। और आई होप कि जितने भी व्यूअर हैं मेरे, उन सभी के मोबाइल में एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है। तो आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि ये अपडेट रियली क्या मोबाइल के लिए गुड होता है, मतलब अच्छा होता है या फिर ख़राब होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बेसिकली यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है ये क्या होता है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता ही है कि हर साल तो नहीं, मतलब एंड्रॉयड का नया नया वर्सन निकलता रहता है। जैसे कि इस बार एंड्रॉयड 11 आया है और इसी साल के एंड में एंड्रॉयड 12 आएगा। तो एंड्रॉयड 12 में जितने फीचर है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ओके। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपडेट क्या रियली मोबाइल के लिए गुड होता है, मतलब अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, और अगर अच्छा होता है तो क्यों अच्छा होता है और बुरा होता है तो उसका कारण क्या है। तो इस वीडियो में दोनों ही बात करूंगा, मतलब दोनों ही टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये अगर ख़राब होता है अपडेट मोबाइल के लिए तो क्यों होता है। और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है बग्स, मतलब अपडेट के साथ बहुत सारा बग आता है। जैसे कि कैमरा ओपन होने में बहुत टाइम लेता है, किसी किसी केस में कैमरा क्रैश हो जाता है, और भी बहुत सारा बग आता है, मतलब कोई भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के ऊपर बग आता है, या फिर मोबाइल का ओवरऑल सिस्टम बहुत समय क्रैश कर जाता है, मोबाइल ओपन ही नहीं होता, किसी किसी केस में मोबाइल रिबूट होता है खुद ब खुद। तो ऐसे ही बहुत सारा बग आता रहता है और आप लोगों का कमेंट भी मुझे मिलता है बग के ऊपर, तो मतलब वहीं से कुछ जानकारी लेकर मैं बग के बारे में बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो हो गया बग, मतलब बग तो मोबाइल के लिए ख़राब होता ही है। उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है अपडेट के साथ। जैसे कि हो सकता है आपका फ़ोन का कभी कभी बैटरी ड्रेन बहुत बढ़ जाता है, मतलब आप फ़ोन को रख देते हो फिर भी बैटरी ड्रेन होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ओवरनाइट 4 से 5% चार्ज ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, क्यों होता है पता नहीं लेकिन हो जाता है। और उसके अलावा हो सकता है आपके फ़ोन को चार्जिंग करने के टाइम बहुत हीट हो रहा हो, या फिर पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे ही गेम खेलने के टाइम भी हीट होता है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद होता है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोसेसर का इसमें फॉल्ट रहता है, होता है थोड़ा बहुत फॉल्ट तो होता है प्रोसेसर का, लेकिन अपडेट के बाद भी ये मतलब कंपनी चाहे तो इसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अपडेट के बाद आप लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हो। और उसके अलावा अपडेट के बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मोबाइल बहुत स्लो हो जा रहा है या फिर हैंग हो रहा है। M21 यूज़र्स जो है वो लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि मोबाइल बहुत समय मतलब हैंग होकर रह ही जा रहा है, मतलब 1-2 मिनट एक ही जगह स्टॉप हो जा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है अपडेट के बाद। और इसका एक मेजर रीज़न है कि आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा है वो, तो मान लो कि अगर आपने 2018 में कोई फ़ोन परचेस किया हो तो उसमें उसी टाइम का प्रोसेसर लगा होगा, और अगर आप वो फ़ोन अभी भी यूज़ कर रहे हो और उसमें अपडेट आ रहा है तो मतलब न्यू फीचर तो आ रहा है उसमें, और वो न्यू फीचर अभी के जनरेशन प्रोसेसर के लिए वो सूटेबल है, लेकिन वो प्रोसेसर जिस जो आपके फ़ोन में लगा है वो प्रोसेसर तो बहुत आगे का है ना, बहुत दिन पहले का है, मतलब उस प्रोसेसर को उस फीचर को यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही, ये आम बात है। तो इसी वजह से हो सकता है आपका फ़ोन बहुत समय लैग होता है या फिर हैंग हो जाता है। और कभी कभी कंपनी खुद से अपने फ़ोन को स्लो करते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग का उस कंपनी का स्ट्रैटेजी होता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा तो आप उस कंपनी का कोई दूसरा फ़ोन नया फ़ोन परचेस क्यों करने जाओगे। समझ रहे हो ना। सभी कंपनीज तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ कंपनी है जो ऐसा करता है। जैसे कि कुछ साल पहले एप्पल के ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि एप्पल अपने फ़ोन को खुद से स्लो बना रहा है, जिससे कि जो एप्पल का नया फ़ोन वो लॉन्च कर रहा है उसको सब परचेस करे। तो ऐसा होता है कंपनी भी खुद से फ़ोन को स्लो करता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि अगर अच्छा है तो किस लिए अच्छा है, मतलब एक चीज़ का तो दो साइड होता है ना, अच्छा या फिर बुरा। किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो या फिर बुरी तरीके से, तो इस चीज़ का भी दोनों साइड है। तो बुरा तो मैंने बता दिया, अब चलिए बात करते हैं कि अच्छा क्या है। अच्छा पहला पॉइंट तो मैं रखूँगा सिक्योरिटी पैच अपडेट, मतलब आपके फ़ोन में जो सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है वो आपके फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके फ़ोन में कहीं पर मैलवेयर आ जाए या फिर वायरस आ जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिक्योरिटी पैच अपडेट देते हैं लोग। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा है इशू फिक्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बताया कि इशू आता है वो खराब, मतलब ख़राब पॉइंट के अंदर चला गया, लेकिन ऐसा होता है कंपनी जानबूझकर करती है या फिर ऐसे ही हो जाता है पता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि अगर आपके फ़ोन में इससे पहले अपडेट के साथ कोई प्रॉब्लम आया है, मान लो कोई बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम आया है, तो अगले अपडेट के साथ वो फिक्स भी हो जाता है लेकिन उसके साथ नया इशू आ जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। तो कभी कभी आपका प्रॉब्लम फिक्स भी होता है,
ये अच्छा बात है मतलब इस अपडेट का। और अगला पॉइंट है न्यू फीचर्स, मतलब आपके फ़ोन में बहुत सारा न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि वन यू 2.5 के बाद वन यू 3.0 जो अपडेट आया था M21 या फिर M सीरीज़ के फ़ोन्स में, उसमें बहुत सारा न्यू फीचर देखने को मिला है। हालांकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सारा फीचर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ फीचर तो है जो देखने को मिला है। तो यही था कुछ मेरा ओपिनियन, मैंने टेक्निकल कुछ टर्म आप लोगों को बता दिया जो रीज़न है अपडेट अच्छा होने का या फिर ख़राब होने का। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मतलब आपके हिसाब से क्या रीज़न है अपडेट अच्छा या फिर ख़राब होने का, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। और उसके अलावा मैंने बहुत सारा वीडियो बनाकर रखा है मेरे चैनल पर जो नॉन M21 है, मैंने दिखाया है एंड्रॉयड 11 का कुछ फीचर आप अपने फ़ोन में अभी कैसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 है तो। उसके अलावा मैंने दिखाया कि वन यू 3.0 और वन यू 3.1 इन दोनों में से फीचर कंपैरिजन करके दिखाया मैंने। तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएगा आप लोगों को, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, और मुझे लगता है कि अपडेट करना चाहिए क्योंकि अपडेट के साथ सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी आता है जो आपके फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी पैच आपके फ़ोन के लिए मैटर नहीं करता और अपडेट के साथ बहुत सारा बग आता है आपके फ़ोन में जो आपको आपके लिए बहुत ही इरिटेटिंग होता है, तो आप अपडेट नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया हो चुका होगा अपडेट के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।